हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं टुडे बॉक्स ऑफिस। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज 2019 में जो साउथ इंडियन मूवीज आ रही है, मास्टर ऑफ साउथ इंडियन मूवीज, उसको लेकर ही बात करेंगे आज। तो इस लिस्ट में 5 नंबर पे है असुरन। असुरन लीड रोल में है धनुष, बजट है 40 करोड़। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर जाने वाली है। क्रिटिक्स और पब्लिक का रिव्यू यही बता रहे हैं कि असुरन ब्लॉकबस्टर जाने वाली है। तो नंबर 4 पे है कप्पन। कप्पन है सूर्या सर के फिल्म, लीड रोल में है सूर्या सर। कप्पन का बजट है 75 करोड़ रुपीज़। आप लोग जानते हैं कप्पन मास्टर ऑफ तमिल फिल्म है और ये भी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। सब लोगों का यही बताना है कि कप्पन ब्लॉकबस्टर हो सकती है। तो नंबर 4 पे है, नंबर 3 पे है पहलवान। आप लोग जानते हैं लीड रोल में है किच्चा सुदीप सर। कन्नाजा का ये फिल्म बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत अच्छा फिल्म है। इसका बजट है 75 करोड़ रुपीज़। आप लोग जानते हैं, सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहलवान एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी होगी। ये बहुत लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है, तो सब लोग इस मूवी को सपोर्ट करना, किच्चा सुदीप सर को सपोर्ट करना। तो नंबर 2 पे है सायरा नरसिम्हा रेड्डी। हाँ, ये बहुत बड़ी बिग बजट वाली मूवी है, 200 करोड़ बजट वाली मूवी है सायरा नरसिम्हा रेड्डी। तो आप लोग जानते हैं इसका लीड रोल में है मेगा स्टार चिरंजीवी। तो आप लोग जानते हैं ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा सकती है, बॉक्स ऑफिस में आग लगा सकती है। और नंबर 1 पे जो मूवी है वो है थलापति विजय का बिगल मूवी। आप लोग जानते हैं बिगल मूवी बहुत बड़े बिग बजट वाली मूवी है। तमिल मूवी में इस साल का सबसे बिग बजट वाला मूवी बिगल ही है, 140 करोड़। थलापति सर का जो पहले का जो मूवी था वो सारे 250 करोड़ कमा चुकी थी बॉक्स ऑफिस से। तो ये मूवी भी लगभग 300 करोड़ कमा सकती है बॉक्स ऑफिस में। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सर का, किस सर का फ़ैन है, किसका फ़ैन आप है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और जिसका भी फ़ैन है कमेंट करके बताइए। और इस सारे मूवी का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए, साउथ के सारे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ ही रहिए, साउथ को सपोर्ट कीजिए और हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।